हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साहब मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सिक्सटीन और स्टडी सिक्सटीन पर आज हम लोग देखेंगे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का पीजी का एंट्रेंस पेपर जिसे क्लेट पीजी पेपर कहते हैं और कहीं कहीं एलएलएम पेपर भी कहते हैं क्योंकि यह एंट्रेंस देने के बाद आप एल में कलेट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है तो यह एंट्रेंस पेपर हम लोग देखेंगे 2020 का और जानेंगे कि क्लेट पीजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं साथ ही साथ पेपर को सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्लेट 2021 थाउजेंड में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं तो वीडियो को देखिए पूरा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन तो करते हैं शुरू उससे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है क्लेट ने पीजी का सिलेबस चेंज कर दिया था पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता था और एक आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होता था जिसे जिसमें आपको कुछ ऐसे या लीगल इशू पर आपके लिए रिटर्न में लिखना पड़ता था लेकिन अब ओनली आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव जिनमें माइनस मार्किंग रहती है लेकिन आपको ओनली एक ही पेपर देना है मतलब सब्जेक्टिव पेपर अब हटा दिया गया है लेकिन जो आपका 120 क्वेश्चन है इसे आप इजी नहीं कह सकते क्योंकि अब आपका टाइम कंज्यूमिंग पेपर आने लगा है कारण यह है कि जैसे यह पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपको यह पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपको आंसर देना पड़ेगा तो इससे थोड़ा टाइम बढ़ जाता है तो अब करते हैं शुरू उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो हम कौन सा पेपर देख रहे हैं क्लेट का टू का एंट्रेंस का पी का पेपर तो यह है जैसे कि पैसेज तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन है कि द अब पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम बिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट जजमेंट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रोमोशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन तो यह पैसेज आपके लिए दिया गया है यह किस जजमेंट का है जनरली यह क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन में है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वर्सेज संजय कोठारी नेक्स्ट ऑप्शन है सिद्धा राजू वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स थर्ड है राजीव कुमार गुप्ता एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और लास्ट है अशोक कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मतलब सिद्धा राजू वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका इसका राइट right आंसर है अब हम लोग देखेंगे क्लेट पीजी एंट्रेंस में दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था तो सेकेंड क्वेश्चन है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेस्ट ऑफ़ द स्कीम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए कारण यह है कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है या आरक्षण है काफी चर्चा में रहा था साल भर और क्लेट में आप लोग देखेंगे एक या दो साल में जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं जो करेंट अफेयर्स में रहती हैं जो जजमेंट रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि क्लेट में आपकी मेमोरी चेक नहीं हो रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होती है यह बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी तो बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ़ द स्कीम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल सिक्सटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो इसका ऑप्शन है लास्ट ऑफ सी ऑप्शन इसका सही है मतलब कि द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी क्लास ऑफ सिटीजन अंडर द स्कीम ऑफ आर्टिकल सिक्सटीन अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लेट पीजी में पूछा गया था कि द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इशूड इन ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम अंडर विच थ्री परसेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द परसन विद डिसबिलिटी अपार्ट फ्राम द रिजर्वेशन प्रोवाइड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन सच एस ट्वेंटी सेवन परसेंट फॉर ओ बी सी फोर्टीन परसेंट ऑफ एस सी एंड सेवन परसेंट टू एस टी नाव द इंदिरा सहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमोंग एस द फॉलो तो इसमें जो अप्रोप्रियट आंसर है वो हमारे लिए चुनना है पहला ऑप्शन है द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू पर्सन विद disability इज constitutionally कॉन्स्टिट्यूशनली बेलेड एसेट फॉल्स विद एन दॉरिजेंटल स्कीम ऑफ रिजर्वेशन तो यह बिल्कुल सही है तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका तो और ऑप्शन हमारे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैचअप रूल एसोसिएटेड विद द मैटर्स ऑफ सीनियरिटी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो ये सारे क्वेश्चन आपके पैसेज में आप लोग देखेंगे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वट इज मीनिंग ऑफ कैचअ क्या है तो इसका है ऑप्शन नंबर बी कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट प्रोमोटेड ऑन देश ऑफ रिजर्वेशन अर्लियर देन हैज सीनियर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन फीडर कैटेगरी सेल बेकम जूनियर वेन जनरल कैटेगरी सीनियर कैंडिडेट टू गेट्स प्रोमोटेड नेक्स्ट है द आर्टिकल सिक्सटीन फोर ए प्रोवाइड फॉर बेच ऑफ द फॉलोविंग मतलब आर्टिकल सोलह चार ए किस चीज के लिए बताता है ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन है कैचअ रूल कैरी फॉरवर्ड रूल कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरटी याल ऑफ दोर्ड ने जो इसका राइट right आंसर माना है वो सी माना है कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी आप इसे थोड़ा चेक कर लीजिए नेक्स्ट है इसके बाद द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल सिक्सटीन फोर ए ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेकेंड ऑप्शन है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स थर्ड ऑप्शन है पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द ऑफ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अब हम लोग देखेंगे क्लेट पीजी एंट्रेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नो रिज़र्वेशन इन प्रमोशन फॉर क्लास वन एंड सेकेंड पोस्ट इनिशियली इसका क्या हुआ तो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मतलब फर्स्ट कैटे क्ला पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए रिजर्वेशन में कोई प्रमोशन नहीं यह है इसका मतलब क्या है तो ऑप्शन है स्ट्रक डाउन इन सी राजेंद्र केस नेक्स्ट है स्ट्रक डाउन इन एम नागराज केस काफी फेमस है और यह शायद 2007 का केस है आप लोग चेक कर लीजिए थोड़ा नेक्स्ट है अपहेल्ड इन जर्नैल सिंह केस और फोर्थ ऑप्शन है अपहेल्ड इन सी ए राजेंद्र केस तो इसका राइट right आंसर है अपहेल्ड इन सी ए राजेंद्र केस सी ए राजेंद्र केस में यह बात कही गई थी तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है काफ़ी और एग्जाम लोगों में हम लोग देख चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नेल सिंह केस ओवर रूल द एम नागराज ऑन द इशू ऑफ तो जर्नेल सिंह केस ओवर रूल द एम नागराज केस ऑन द इशू ऑफ ये सारे क्वेश्चन आपके पैसेज से मिलते जुलते हैं तो इसके ऑप्शन हैं कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेबल डाटा टू डेटरमाइन इन एडिकुसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सी एंड एस टी सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑफ क्वान्टिफिएबल डाटा टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस नेक्स्ट है क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है ऑप्शन में है सभी रिजर्वेशन में सेकेंड ऑप्शन है एस सी एस टी के लिए थर्ड है ओ बी सी के लिए और लास्ट है ओनली होरिजेंटल रिजर्वेशन तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आप लोग कई बार देख चुके हैं यह ओ है के लिए होता है क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए है ओ बी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस तो ओ बी सी इज अ राइट आंसर यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्लेट में जो चर्चा में रहते हैं करंट अफेयर्स में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विवेकानंद तिवारी सुप्रीम कोर्ट हल्ड दैट द यूनिट फॉर रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटी शुड बी ऑप्शन में है यूनिवर्सिटी एज ऐ होल सेकेंड ऑप्शन है फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और फोर्थ है ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो इसका राइट right आंसर है डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट है इट विल बी रेलिवेंट टू रेफर टू द स्टेटमेंट मेड बाय दिच वाज मेड एंड रीड आउट बिफोर दिस कोर्ट बाय दर ऑन ट्वेंटी अगस्त टू विच रीड्स एस अंडर तो आपके लिए यह पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा इस यह पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपके लिए ऑप्शन करने हैं तो क्वेश्चन है कि दबअ पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट केसेज रिलेटिंग टू द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपके लिए एक पैसेज दिया गया है और यह है दिया गया है कि क्रिमिनल कंटेम्ट ऑफ कोर्ट का यह मतलब पैसेज है तो इस पैसेज से रिलेटेड अब आपके लिए क्लैरट में कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा लेकिन हम यहाँ पर टाइम कम है तो ओनली क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है क्या है और इसका आपको पता है न प्रशांत भूषण इसका राइट right आंसर है और यह केस काफ़ी चर्चा में रहा था यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था और क्लेट के 95 स्टूडेंट्स 95 परसेंट स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन सही कर कर आए होंगे यह करंट अफेयर से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन क्लेट में पूछा गया था तो अभी अगर आप रिसेंट क्लेट को अंडरस्टैंड करेंगे तो जो करंट में चीजें हैं वो पूछी जा रही हैं इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटू कोग्निजेंस ऑफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में है सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नाइनटीन और यह नाइनटीन का एक्ट है कई बार एंट्रेंस एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कंटेम ऑफ कोर्ट एक्ट किस ईयर का है ऑप्शन में दे देते दे हैं उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ इकहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर या उन्नीस सौ तिहत्तर सो नाइनटीन सेवेंटी वन इज द राइट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज आर्टिकल वन ट्वेंटी नाइन सो वन ट्वेंटी नाइन इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ वैलिड डिफेंस फॉर द

इन द फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज क्रिटिसिम अबाउट द जुडिशियल सिस्टम और द जजेस शुड बी वेलकम्ड सो लॉन्गेस्ट क्रिटिसिम डू नॉट एम्पेयर और हेम्पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो इसके ऑप्शन है एमिकस क्यूरी वर्सेज प्रशांत भूषण पी एन दूदा वर्सेज वी पी शिवशंकर थर्ड ऑप्शन है ए के गोपालन वर्सेज नूरदीन या हरी सिंह नगरा वर्सेज कपिल सिब्बल तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पी एन दूदा वर्सेज बी पी शिवशंकर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेटेड एस नॉट ट्रू अबाउट द इंटेंट ऑफ कंटेमनर एस मैंसनड इन द पैसेज अब तो ये भी क्वेश्चन सीधा पैसेज से था आप पैसेज पढ़ेंगे आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे बस यही प्रॉब्लम है कि पैसेज पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कभी कभार आपको एक से दो बार भी पैसेज पढ़ना पड़ सकता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इजी क्वेश्चन है ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड पुट्स हिमसेल्फ एट द सेम पेडेस्टल, नेक्स्ट है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की ए कंपेरिजन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिटवीन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मे लीड टू मैनी कंक्लूजनस मैच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ सच अ कंपेरिजन तो इंडियन और यू एस कॉन्स्टिट्यूशन भारत और अमेरिका के संविधान के बीच कुछ मतलब वो फ्री कंपेरिजन किया गया था उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मच ब्रॉडर इन इंडिया एज कम्पेयर टू दैट इन दू एस कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कंसेप्ट काफ़ी ब्रॉडर है अगर हम अमेरिका के संविधान की तुलना भारत की संविधान से करें तो यह सब क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ने पर बन जाएंगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द कंटेम्प्टज अ रिस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंसेंड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन ए ऑप्शन है इन री अरंदुति रॉय हरी सिंह नगरा वर्सेज कपिल सिब्बल इन री हरिजय सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का है केस था नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हल्ड दैट होल्डिंग धरना इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच लॉयर्स टू टेक पार्ट इज नॉट वाई सेल्फ कंटेम ऑफ कोर्ट इफ द एक्सेस टू द कोर्ट इज नॉट हिंडर्ड काफ़ी फेमस है और इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी जे आर परासर वर्सेज प्रशांत भूषण इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लेट पी जी एंट्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूछा गया था कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ऑब्जर्व दैट नॉर्मेटिव गाइडलाइंस फॉर जजेस टू ऑब्जर्व इन कंटेम जोरिस्डक्शन इज नॉट टू बी इवन बेयर डिसोर्स और क्रिटिसिज्म ओवर स्टेप्स द लिमिटेशन सो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एस मुलगावकर से, हाइपर सेंसिटिव नेक्स्ट है लेट अरुण जेटली इन पार्लियामेंट हैड सेड दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिस्ट्रॉइंग द एडिफाइस ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले आपको पता है कि अरुण जेटली भारत के पह, इससे पहले भारत के वित्त मंत्री थे और पार्लियामेंट ब्रेक बाय ब्रेक तो यह क्वेश्चन पूछा गया है पैसे से रिलेटेड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसके बाद एक और पैसेज आपके लिए मिलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा पहला क्वेश्चन सीधे सीधे जनरली यही पूछा जाता है कि यह पैसेज किस जजमेंट से मेल खाता है तो क्वेश्चन है कि द दबअ पैसेज इज फ्रॉम बिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट एक आपको पैसेज दे देंगे क्लेट एग्जाम में और पूछेंगे यह किस किस से रिलेटेड है तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आप सभी में आपको एक से ऑप्शन लगेंगे इसीलिए क्लेट में जो एनालिसिस लेवल का आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज मैंनेड अबाव तो इसका राइट right आंसर है डी मतलब आल ऑफ़ दबाब मतलब पहला भी है इसका बी भी है सी भी है आल ऑफ़ दबाब इसका राइट right आंसर है तो ऑप्शन नंबर देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल बींग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ यह आपको पता है कि आर्टिकल ट्वेंटी में राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू लाइफ में ही राइट टू प्राइवेसी को जोड़ा गया है जिसे हिंदी में निजता का अधिकार कहते हैं और यूपीएससी ने 2017 में शायद यह पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन में है और शादी करने का अधिकार भी यू ने टू में पूछा था तो वह भी आर्टिकल ट्वेंटी वन में और जीने के अधिकार में ये सब अधिकार आपके शामिल हैं ऑप्शन नंबर बी है कि द एक्सटेंड एंड स्कोप ऑफ द ऑर्डरड लेबर्टी एज अ टेनेंट ऑफ द लेबर्टी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट है राइट टू लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम मेयर एनिमल एक्सिस्टेंस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अब पैसेज मेंशंस एवरी मैन हाउस इज हिज कास्टल हु हैज स्टेटेड दिस कोट इन द सीमेंस केस तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी जस्टिस होलम्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड हैं आप पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन अंडरस्टैंड करने हैं तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं वट द ओनली प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू कंज्यूम मैनी टाइम एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज कंसर्ड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द अब पैसेज मेक्स अ मैंसन ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस राजगोपाला अयंगर यंगर विच वन ऑफ द फॉलोविंग जजमेंट इज इन कंटेक्स्ट हियर तो इसका ऑप्शन नंबर ई खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यू राइट आंसर है उसके बाद ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ़ द राइट टू प्राइवेसी एज एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टा स्वामी जजमेंट तो ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था इसके बाद ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द स्कोप ऑफ न्यूली इवॉल्व राइट टू प्राइवेसी तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है मतलब द राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी डिनाइड फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज एफेड राइट टू प्राइवेसी वन में है आपके लिए नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हल्ड डेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इन एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएशन इज डीपीव To the dignity and self worth of the individual. Equality demands that the sexual orientation of each individual in society must be protected on an even platform. The right to privacy and the protection of sexual orientation lie at the core of the fundamental right guaranteed by article 14, 15, and 21 of the Constitution. So it's correct right answer option number A. Justice K S puttaswamy retired versus Union of India. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज से रिलेटेड है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्फॉर्मेशन एंड डाटा प्राइवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कई बार है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीन ऑफ द टर्म लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन में है राइट टू डाई विद डिग्निटी सेकेंड ऑप्शन है राइट टू लिव विद डिग्निटी थर्ड ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ऑप्शन नंबर डी है राइट टू रेपुटेशन राइट टू आंसर है Next question है कि 50 of the booked under National Security Act. जिसे कहते हैं यह शायद 1977 या 1980 का एक्ट है कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सी यार पास हुआ था एक्ट वाउंसिल ऑर्टर इन, इन पुट्टस्वामी विच ऑफ जजेस इंक्लूडेड फूड प्रेफरेंसेस इन हिज जजमेंट तो इसका राइट आंसर है जस्टिस जस्टी चेल में चेलर में, में तो इस वीडियो में हम लोग क्लेट के थर्टी क्वेश्चन देख चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्टी वन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे इससे पहले आपको पता है कि क्लेट पीजी में वन ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है और ये क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड थे जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे आपको पहले पैसेज करना है इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने थे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्टी वन से आगे के रिलेटेड क्वेश्चन क्लेट पीजी जी एंट्रेंस यह टू थाउजेंड ट्वेंटी का पेपर हम लोगों ने देखा है उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा दें थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू